Hey guys, welcome to my channel Exploring Life with Sangeeta. So अभी बज रहे ऑलमोस्ट 3 और आज है सैटरडे. तो सैटरडे में मेरा एक ही प्लान था. बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि जो कोलकाता का जो वन डे वीकेंड टूर होता है, जो एक दिन में पूरा घूम के आ जा सकते हैं, तो आज वही प्लान है. तो आज मैं जा रही हूँ कोलकाता का द हेरिटेज कैफे, दैट इज मेट कैफे. नहीं, ये कोई खाने वाला कैफे नहीं है. दिस इज एक्चुअली द म्यूजियम ऑफ कोलकाता, जहाँ पे आपको कोलकाता का बहुत सारे जो हेरिटेज जो थीम है वहाँ पे देखने को मिलेंगे. बहुत ही वायरल है जगह. एक दिन के टूर के लिए डेफिनेटली आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं. तो आज मैं पूरा बंगाली गेटअप में हूँ. बहुत टाइम से मतलब शौक था थोड़ा साड़ी पहनने का. तो मेट कैफे जगह भी वैसी है, पूरा एकदम कल्चरल. तो कोशिश रहेगी आज के ब्लॉग में पूरा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शो करने की. सो अभी मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन में. मुझे जाना है स्प्लैनेड में. मैं पूरा जो लोकेशन है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी और साथ ही साथ ब्लॉग में मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगी. सो अभी चलते हैं. ये देख सकते हैं शहीद खुदीराम मेट्रो स्टेशन, यहाँ से मुझे जाना है स्प्लैनेड में. सो लेट्स गो. सो फाइनली मैं मेट्रो में हूँ. दिस इज द कलकत्ता मेट्रो और यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ शहीद खुदीराम, जो कि एकदम लास्ट स्टेशन है. वहाँ से जा रही हूँ स्प्लैनेड में. स्प्लैनेड जो कि एक बहुत ही फेमस जगह है, मैंने पहले भी वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए थे. और अभी ऑलमोस्ट शाम का टाइम है तो वेदर ठीक ठाक ही है एकदम. तो स्प्लैनेड में जाके मुझे वहाँ से टैक्सी लेना है, जहाँ मुझे जाना है भिवाड़ी बाग में. सो जाते हैं स्प्लैनेड में, उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम जा सकते हैं मेट कैफे. सो फाइनली मेट्रो से उधर के अभी हम जा रहे हैं मेट कैफे में. तो मेट कैफे में बेसिकली हम जा रहे हैं आइकॉनिक जो टैक्सी है, येलो टैक्सी विद माई फ्रेंड से हाय. सो ये इसी के साथ ही प्लान था. बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे दैट वी हैव टू गो, एंड फाइनली आज सैटरडे ऑफिस के बाद जो मुझे टाइम मिला, क्योंकि ये बेसिकली ये जो जगह है यहाँ पे आप वीकेंड टूर्स पे जा सकते हैं. पूरे एक दिन के लिए जो हम प्लान करते हैं कोलकाता के आसपास, तो ये जगह इसी के लिए मैंने चूज की थी ताकि वहाँ पे पूरा टाइम स्पेंड कर सकूँ. बट एक बात, हमें थोड़ा लेट हो गया, हमें पहले निकलना चाहिए था. अभी 5 बजे ये शायद बंद हो जाएगा और वहाँ पे टिकट भी हमें लेना है और उसके बाद जो हमारा वैलिड एक आईडी प्रूफ है वो भी दिखाना है. सो इसीलिए जो पूरा प्रिपरेशन जो भी कुछ है, इसलिए टाइम चाहिए था. तो फॉर दैट रीजन अभी चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है. सो दिस इज द सिनेरियो. अभी जा रहे हैं स्प्लैनेड से आइकॉनिक येलो टैक्सी में. हमें एक्चुअली जाना है जो मिलेनियम पार्क है वहाँ पे, भिवाड़ी बाग मिलेनियम पार्क. स्प्लैनेड से आप टैक्सी लेके जा सकते हैं. सो ऑल राइट, तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ मेट कैल फॉल. मेरे पीछे देख सकते हैं दिस इज द मोस्ट लाइक ओल्डेस्ट हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ इंडिया. सो ये मेरे पीछे आइकॉनिक टैक्सी और पीछे मेट कैल फॉल. सो अभी 5 बजे तक ये हॉल एक्चुअली ओपन है, तो उससे पहले हमें जाना है. अभी बज रहे 4, आई थिंक 1 घंटा इनफ है जाने के लिए. बहुत एक्साइटेड हूँ, पर गर्मी भी बहुत है, देख सकते बहुत ही सनी वेदर है. तो अभी जाएंगे वहाँ पे, हमें पहले टिकट लेना है, टिकट लेने के बाद अंदर जाना है. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. और पीछे देख सकते हैं ये अतुल्य भारत जो है यहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है. ये बहुत एक्चुअली पुराना बिल्डिंग है जो अभी हेरिटेज साइट है, तो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है. चलिए देखते हैं अंदर क्या है. एक दिन में अगर कोलकाता को जानना चाहते हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए मेट कैफे हॉल में. कोलकाता में बहुत सारे आइकॉनिक म्यूज़ियम हैं, उन सारे म्यूज़ियम में ये सबसे ज़्यादा यूनिक है. ये म्यूज़ियम कोलकाता के भिवाड़ी बाग में है. और अगर आप एक दिन में कोलकाता के बारे में, उसके कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए. सो बेसिकली हम टिकट से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे पूरा टिकट आपको लेना पड़ेगा ऑनलाइन में. आपको ये जो स्कैनर दिखेगा, यहाँ पे स्कैन करके आपको टिकट खरीदनी है. ऑफलाइन टिकट आपको नहीं मिलेगी.
सो बेसिकली टिकट का प्राइस है 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ से आप पूरा मेटकल्फ हॉप घूम सकते हैं, जिसका टाइमिंग है सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। पहले 5 बजे था, अभी टाइम थोड़ा बढ़ गया है। यहाँ पे 1844 का ये म्यूज़ियम पहले था एक लाइब्रेरी, जिसका नाम था इम्पेरियल लाइब्रेरी। म्यूज़ियम के शुरू में आपको मिलेगा ये हॉल रूम, जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट का जो जो रिसर्च है या जो जो उन्होंने काम किया है, सारे यहाँ पे शोकेस किए गए हैं। ये हॉल बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं रिगार्डिंग आर्कियोलॉजिकल साइट। ऊपर जाने से पहले मैं आसपास जब घूम रही थी, मुझे दिखा ये सबसे सुंदर जगह, और इसी के साथ यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ था, दैट इज़ नोन एज सिटी ऑफ मेमोरीज, जहाँ पे हमें देखने को मिला एक रिक्शा, जिस रिक्शा में जितने भी सारे, अगर कोई कुछ लिखना चाहते हैं अपनी मन की बात या जो कोई भी अपनी इस सिटी के रिगार्डिंग, सिटी ऑफ जॉय के रिगार्डिंग, कोलकाता के रिगार्डिंग, वहाँ पे वो लोग लिख सकते हैं। ये मुझे सबसे अच्छा लगा इस जगह के बारे में। तो बेसिकली इस रिक्शा में हम जब पढ़ रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे हुए थे। कोई कोई कोलकाता के बारे में लिख रहा था, उनका ये मैसेजेस पढ़ना अलाउ नहीं है, मतलब आप पढ़ सकते हैं, ओपन ही है, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने भी कोलकाता के रिगार्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं 8 साल से हूँ इस शहर में, मैंने भी कुछ लिखा इस कोलकाता में, मुझे बहुत कुछ मिला। सो आई जस्ट रोट इट ऑल माई फीलिंग्स ओवर हियर। अगर आप जाए वहाँ पे तो डेफिनेटली आप वहाँ पे कुछ लिख सकते हैं कोलकाता के बारे में। दो लाइन मैसेज लिखने के बाद हम जा रहे थे ऊपर, तो स्टेयर्स से जब हम जा रहे थे, वो पूरा लग रहा था कोई आर्ट गैलरी में हम आ गए हैं। वहाँ पे सब कुछ अच्छे से दर्शाया गया था, स्पेशली कोलकाता का जो आइकॉनिक मूवी है या जो आइकॉनिक मेमोरीज़ है, यहाँ पे पूरा शोकेस किया गया था। तो ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। स्टेयर्स में घूमते घूमते टाइम कैसे कट गया पता ही नहीं चला। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक टाइम स्पेंड किया, और हम यहाँ पे थोड़ा रील्स बना रहे थे, थोड़ा वीडियो बना रहे थे, और मैं पूरा जो डिटेल्स है वो पढ़ रही थी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ही बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हम गए ऊपर 2nd फ्लोर में, जहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, और दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस म्यूज़ियम। यहाँ पे हमें कोलकाता का जितने भी एस्पेक्ट्स है वो देखने को मिला, जैसे कि यहाँ का पेंटिंग, पहले कोलकाता कैसे देखने में था, और यहाँ का दुर्गा का मूर्ति, जो दुर्गा पूजा है यहाँ का आइकॉनिक दुर्गा पूजा, तो यहाँ पे वेरियस पार्ट्स हमें देखने को मिले जो पूरा कल्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था। म्यूज़ियम के हर एक पार्ट में अलग अलग से एस्पेक्ट्स थे, तो ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, द सिटी ऑफ सेलिब्रेशंस, ये हम बंगाली में इसको टोपोर बोलते हैं, जब शादी होता है ये टोपोर को रिप्रेजेंट किया जाता है एज बंगाली कल्चर। तो पूरा म्यूज़ियम कल्चर से भरा हुआ था। तो घूमते घूमते ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म हो चुका था, 6 बजने वाले थे, इसीलिए म्यूज़ियम बंद हो रहा था, तो और ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं कर पाए। बट द बेस्ट पार्ट इज़, ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था, मैंने जहाँ पे यहाँ पे जो स्पेंड किया। तो आई थिंक ये मेरा सबसे फेवरेट जगह है, जो मुझे लगा।
बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। सो आज का वीडियो इतना ही था, आई होप यू लाइक द वीडियो। ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत शांत है। सो जब भी आप वीकेंड में कोई अगर टूर प्लान करें तो डेफिनेटली यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हमारा टाइम कैसे कट गया हमें पता ही नहीं चला। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।